आप सबको पता है। तो सबसे पहले आप पीछे देख सकते हैं दरख्त, और दूसरा चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं आसमान की तरफ, मौसम भी बहुत प्यारा है। तो आज मुझे लग रहा है कि व्लॉग बनाने का मज़ा भी आएगा और साथ साथ घूमने फिरने का भी मज़ा आएगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं फैसल मस्जिद चले जाऊँ और वहाँ जाकर मैं व्लॉग बनाऊँ। अगर यहाँ ट्रैफिक का शोर रिकॉर्ड होता है तो मैं इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। हाय 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 हाय, अभी हम पहुँच गए हैं सेंट टॉरस। भाई आप पेडू में आ सकते हो? अच्छा भाई भी आ सकते हैं, मैं भी आ सकता हूँ, कमाल की बात है यार। अच्छा कितना टाइम लगता है यहाँ से उधर तक? इशारे की बात है, भाई कह रहा है कि इशारा खुला हो तो जल्दी पहुंच जाएंगे। ओ माय गॉड, ये तो इधर पास ही है। देखने से इस तरह नजर आता है, देखने से इस तरह नजर आता है। अच्छा अच्छा, मैं तो सोच रहा हूँ कि ये पास ही है, भाई कह रहा है कि ये बहुत दूर है। अगर ये इतना पास होती तो हम मतलब ये टैक्सी बुक करके नहीं आते, हम पैदल आ जाते। ये तो बहुत दूर लग रही है मुझे। इस्लामाबाद ना, इस्लामाबाद में जब भी थोड़ा सा बोर होता हूँ मैं कैपिटल को आता हूँ, क्योंकि कैपिटल से खूबसूरत सिटी मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में कमतर मिलेगी, और हमारा कैपिटल तो कैपिटल है यार। आप किस इशारे की बात कर रहे हैं? इसमें मीनार हर जगह से नज़र आते हैं, इसी तरह मीनार बहुत ऊँचे हैं। अच्छा ठीक है, और फासला काफ़ी है, पैदल आप अगर आएँ तो आपके 30 से 35 मिनट लग सकते हैं स्टेशन से। स्टेशन से आगे यहाँ तक? जी जी पैदल। अच्छा जी, कितना टाइम लगता है भाई? कह रहे हैं आधे घंटे से ज़्यादा। आधे घंटे ये किधर यार? ये सड़क प्लेन है ना, प्लेन सड़क के ऊपर बंदा चल नहीं सकता। वो वहाँ से देखे ना बंदा स्टेशन से, तो ये इतना पास लग इस्लामाबाद में चलना बहुत ईजी है, इसलिए कि यहाँ पे हर जगह पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं, आप साइन बोर्ड को फॉलो करते जाओ और अपनी मंजिल की तरफ चलते जाओ। असल में मेरे लिए एक कन्फ्यूजन था कि मैं जब भी इस्लामाबाद में आता हूँ तो मुझे मुश्किल ये लग रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि हर जगह बिल्कुल सेम ही लगते हैं ना। तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, भाई ने कहा कि साइन बोर्ड देख लो, साइन बोर्ड देखना है ना बस, जहाँ पे साइन बोर्ड, साइन बोर्ड फिर उसको रीड करते करते चलो, रीड करते जाओ तो कोई मुश्किल नहीं है। इस्लामाबाद के जिस कोने में भी आप नहीं जाना चलेंगे। तो जी हम पहुँच गए, अभी फिर भी नहीं पहुँचे, ये पास लग रहा है लेकिन है दूर, अब भी दूर है ना, या पहुँच गए? अच्छा अभी नज़दीक है। ओ माय गॉड, रश कितना ज़्यादा है इस पेंडेमिक सिचुएशन में है। ठीक है भाई, अल्लाह। एक तो यहाँ पर टैक्सियाँ ऐसी मिलती है ना कि बैठने के लायक नहीं होती है, कुछ टैक्सियाँ तो ऐसी है, अब मजबूरी है तो टैक्सी पे आना पड़ता है, टैक्सी पे आना पड़ता है। और वेलकम टू द फैसल मस्जिद। इस्लामाबाद में होके भी ना 3 साल के बाद आज मैं आ रहा हूँ फैसल मस्जिद। आई थिंक मैं 10th क्लास में था उस टाइम मेरे फैसल मस्जिद आया था, वो भी स्कूल के ट्रिप से। तो आज मैं 3 साल बाद आ रहा हूँ यहाँ पे। तो यार मौसम भी प्यारा है और जगह भी प्यारी है, लोग भी इधर उधर बहुत प्यारे हैं, ये बात थोड़ा पर्सनल रख लेना। तो जैसा गाइस मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ मेरा नहीं भाई ही है। ये मेरे साथ मौजूद है, तो ये कह रहा है कि बोतल शोतल पी लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फ्री में मिलता है तो हर कोई पी लेता है, मैं भी उनमें से एक हूँ, आप पिला लें मैं पी लूँगा। तो चलें चलते हैं। वो कैंटीन वाला भाई हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत मज़े
तरह की चिप्स लग रहे हैं मुझे, इस तरह नहीं उठाते बगैर पैसों के। भाई इसने आपका चिप्स खा लिया है, माफ़ कर देना ठीक है, ये मेरे साथ है, इस तरफ गुना गुना का काम नहीं करते बच्चे। मेरे बाप का तो ही खा रहा, मेरे बाप का नहीं खा रहे भाई का खा रहा है ना भाई, इस तरह हलाल है। नहीं देखा भाई को गुस्सा आ गया, गुस्से में नहीं भाई कह रहा है, मैंने बोतल भी पीना गर्म है यार बहुत ज़्यादा। नहीं भाई कह रहा है मैंने बोतल पीना है, तो वो बोतल लेने के लिए गया हुआ है, मैंने भी पीना है, अगर फ्री में मिलता है तो जाहिर सी बात है पी लूँगा, अपने पैसों से तो नेवर। एक तो बात यह है कि हमने फैसल मस्जिद के अंदर भी चले जाना है, लेकिन अभी अंधेरा हो गया है, तो नईम भाई जल्दी आ जाए तो हम चले जाएंगे, अदरवाइज़ टाइम बहुत कम है। नईम भाई आपसे गुजारिश है थोड़ा जल्दी आ जाए, और मेरा मास्क भी चला गया खुद, क्योंकि अब दोबारा से कोरोना के सिचुएशन है तो यहाँ पे मास्क पहनना लाजमी है, तो हम रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप लोग रूल्स को फॉलो करें, इसमें हमारी भलाई है। तो यहाँ पे चिप्स वगैरह हमने रख लिए, हमने मतलब मैंने रख लिया अपने लिए, वो लेके आ रहा है अपने लिए भी, तो उसके बाद हम अंदर चले जाएंगे अगर अंधेरा नहीं हुआ तो। अंधेरा हो भी जाए, इस्लामाबाद है कोई छोटी सिटी तो नहीं है, अंदर लाइट्स होंगे तो अंदर चले जाएंगे, अंदर जाके भी व्लॉग बना लेंगे। यार मौसम ख़राब हो गया, अचानक बारिश होना स्टार्ट हो गई और अंधी भी आ रही है, तो अभी अंदर जाते हैं, फिर पता नहीं मौसम ख़राब हो गया तो फिर अंदर नहीं जा सकते, तो इसके बेहतर है टाइम पर अंदर चले जाए मस्जिद के अंदर। एक तो मेरी इतनी लंबी लंबी टांगे, अगर मैं गिर जाऊँ ना खुदा की कसम अस्तगफिरुल्लाह। सफाई चल रही है और बारिश स्टार्ट है इस टाइम। आगे तक चला जाता है, लेकिन हम मोटे मोटे लोग हैं, हम इतना जल्दी कहीं नहीं जाते। और यहाँ पे लोगों को आप देख सकते हैं पीछे, और इस टाइम के लोग बैठे हुए उधर। इस टाइम हमें ऐसा लग रहा है कि हम सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर है, और स्लिप जहाँ देखो छोटे छोटे बच्चे बहुत स्लिप होते हैं, और ये दौड़ते आ रहे हैं। देखिए इस शख्स को गौर से देखिएगा, लेकिन इसके पास टेक्निक ये पाउस है, यू चल रहा था, यू बंदा स्लिप होके चले फिर कुछ नहीं होता, मतलब अपने पैर से कुछ नहीं छोड़ा के चले ना वो कन्फर्म गिर जाते हैं, तो ये टेक्निक है सब यूज़ करते हैं, उसका देख रहे हैं आप जैसे मैंने उनको बता दिया, जैसे मैंने इजाद किया इस टेक्निक को। या अल्लाह ये बच्ची गिरेगी, ये बच्ची गिरेगी, कंफर्म ये गिरेगी, ये गिरेगी, ये गिरेगी, ये गिरेगी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आज शुक्र है नहीं गिरी, क्रास हो गया। क्या ये जो छोटा बच्चा है ये वाला, ये बहुत बार गिरा है, तो इसके बाद ये भी गिरा है, ये छोटा बच्चा भी। अब नीचे देखते हैं ये जाते गिरते या नहीं गिरते, नहीं गिरते। Thank you.
यहाँ से चले जाए अपनी डेस्टिनी की तरफ। तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा आप लोगों को तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को शेयर करना ताकि बारिश के टाइम यहाँ पर कोई ना आए। एक नसीहत है, एडवाइस है।